मिस्टेक किया। दूसरी चीज 6x-14, बेटा ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल वैनिश हो रहे हैं, वेरिएबल खत्म हो गया। जब आप 6x को इस तरफ लेके आ रहे हो, 6x-6x, और 15 को टेकिंग दैट साइड, बेटा यहाँ पे तो जीरो आ गया ना। अगर आपका वेरिएबल ही इक्वेशन से एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे आप? सही, तो आंसर विल बी नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? सही ठीक है, तो ये एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था। और बताइए बच्चों क्या प्रॉब्लम थी, टेल मी, और किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई? हाँ जी बेटा, हमने कल कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चों? हाँ जी, 4 तक कर लिए थे ना, आई थिंक MCQ 4 कर लिया था, आज MCQ 5 करना है बेटा। यस देखिए जरा, अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें दोनों साइड पे वेरिएबल भी हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? हाँ जी बताइए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा लेफ्ट साइड पे। तो पहले एलसीएम ले लो दोनों का जरा। फोर आ गया एलसीएम, 2y-3, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, y हम ब्रैकेट में रख रहे हैं बिकॉज आगे नेगेटिव साइन है, तो नेक्स्ट टर्म को भी ब्रैकेट में रखना है। इस टर्म को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, y, क्योंकि 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, राइट? तो यहाँ पे इक्वल टू, थ्री और फोर नीचे यहां पे भी एलसीएम ले ले बेटा, तो व्हाट इट बिकम। अब देखिए सबसे इजी वे क्या है, यहां पे डिनोमिनेटर कितना है, पे कितना है, कैन वी कट बोथ ऑफ दीज, दोनों को कट कर दो यहीं पे। ठीक है बच्चों, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं जी। 2y-3 माइनस, यहां पे कितना आएगा बेटा, कितनी माइनस या प्लस? माइनस, अगली टर्म क्या आएगी बेटा, प्लस 10। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है तो साइन माइनस माइनस प्लस, और राइट साइड पे अब तो आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे जल्दी से कर दो आप इसको जरा। हाँ जी बच्चों, कितने लोगों ने कर लिया, प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3, ओनली 3, 4। एक्शन ए में तो अभी किसी ने नहीं किया, सेक्शन ए वालों करो फटाफट। फ्रंट बेंच नो टीम वर्क, अपना अपना कीजिए। आगे देखिए बेटा, हाँ जी बच्चों हो गया। यस
कितना आया आंसर? देखिए बेटा, 2y-6y-4y, उस तरफ से भी -4y इधर ले आओ, यहाँ पे कितना बन गया बेटा? -3 + 10 कितना होगा? +7, +7 को टेक ऑन द माइनस हो जाएगा बेटा। व्हाट दिस इज लेफ्ट? -8y इज इक्वल टू -4। माइनस माइनस कैंसल, वाई इक्वल टू वन टू वन बाय टू 1/2। इज दिस द राइट चॉइस? अरे ठीक है बच्चों, यस कोई डाउट इसमें? सर चलिए बेटा आगे चलते हैं ओके सर असाइनमेंट में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एमसीक्यू है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम। हाँ जी, टीचर इन सेक्शन ए। आगे नहीं है बट प्रॉब्लम हाँ जी बच्चों, आगे द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। बेटा ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो आप देखिए हमें क्या करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन, राइट? ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। चलो अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, हरजोत चौहान। हु इज हरजोत? हाँ जी बेटा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? हाँ जी, 2l+b, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मीन्स इफ वी हैव, दिस इज रेक्टेंगल, इसकी साइड्स होगी बेटा एल एंड बी, व्हाट इज पेरीमीटर? ये होता है बेटा, और एरिया क्या होता है इसका बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नाउ व्हाट ही सेज, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। अब आपको विड्थ मतलब ब्रेड्थ गिवन है बेटा, व्हाट इज द ब्रेड्थ? दिस इज द ब्रेड्थ। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा बेटा? राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है कि ये दोनों चीजें इक्वल है, राइट? बेटा ये इक्वल गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है, कैन वी राइट? ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई बेटा, कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? कीजिए बेटा, जल्दी से कीजिए जरा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। एनी स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है, यू कैन आस्क द डाउट्स। बेटा क्वेश्चन में गिवन था कि पेरीमीटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ ब्रेड्थ इज 11/4 cm, फाइंड इट्स लेंथ। सो वी हैव फॉर्म्ड एन इक्वेशन विद एल एंड बी, वेयर व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ बी, सो देर इज ओनली वन वेरिएबल इन द इक्वेशन, दैट इज एल। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल।
हो गया बच्चों? हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गई क्वेश्चन सॉल्व? कितने लोगों ने कर लिया बेटा? रेज योर हैंड्स। वन ओनली, टू, थ्री, ओनली थ्री स्टूडेंट, फोर इन टू सेक्शंस, ओनली फोर स्टूडेंट इन टू सेक्शंस, प्लीज अदर आल्सो डू इट। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है ये। देखिए बेटा, जिन लोगों ने नहीं किया इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की, 2 × 11/4, ठीक है बच्चों? कोई डाउट? इसको कट कर दिया, 11/4 एल को लेफ्ट साइड पे ले आए बेटा, और -11/2 ऑन द राइट साइड। आप क्या करना है आपको? पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो हाउ मच यू आर लेफ्ट विद? -3L/4। सो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। आप अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3 × 2 = 6, 6L = 44, और L कितना आ गया बेटा? 6, तो 2 से कैंसिल हो गया, ये 22/3 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। आंसर मिक्स में दिया है? नहीं जी, तो बी चॉइस विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, यस और नो? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ थ्री कंजेक्यूटिव नंबर्स इज 87, द ग्रेटेस्ट अमंग दीज थ्री नंबर्स इज, प्लीज इसकी इक्वेशन फॉर्म कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है बेटा। नहीं नो, वेट फॉर द अदर्स टू डू आल्सो बेटा। ठीक है, बेटा थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाइए। इफ फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x+1, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x+2। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x+x+1+x+2 = 87। x+3 कौन बोला? ये = 87। राइमेटिक स्कीम बना दी बेटा आप लोगों ने। हाँ, राइम चल रही थी, आगे फ्लिप कर दिया आपने। हाँ चलो, जल्दी से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x+x+1+ =, सॉल्व कीजिए बेटा इस इक्वेशन को। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? ये 28 आ रही है, चेक कर लेते हैं। 3x है इज इक्वल टू 87 - 3, कितना यस कितना एक्चुअली वन 28 आ गया बेटा। व्हाट यस विल बी द आंसर? न्यू आंसर इज 30। नो, आंसर विल बी 30। व्हाट इज द क्वेश्चन? ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट अमंग देम, ग्रेटेस्ट विल बी x+2। ठीक है बच्चों,
सो एक्स प्लस टू विल बी इक्वल टू, 28 प्लस 2 बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? मिस्टेक्स एमसीक्यू है बेटा, आपने सारी मेहनत भी की, इक्वेशन भी बनाई, सॉल्व भी किया, बट लास्ट में क्या आया? जीरो, है ना? तो प्लीज रीड द एमसीक्यू केयरफुली। मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स कम आते हैं ना, वो एमसीक्यू में ही आते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। वन नंबर इज थ्री टाइम्स अनदर नंबर इफ द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60। ठीक है बेटा, द रिजल्ट इज फाइव लेस देन द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55। काफी कुछ दिया है जी। देखो सबसे पहले तो क्या लेना है, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी एक्स, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा बेटा फिर? व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर? 3x नहीं होगा, थ्री टाइम्स नहीं है। हाँ जी, आप इक्वेशन में फिट करते जाओ दोनों को। इफ द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, मीन्स लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे? मैं बता देता हूँ बच्चे क्या करेंगे, 3x-60 करेंगे वो। ठीक है, द रिजल्ट इज फाइव लेस देन द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55। अब ये कैसे करेंगे जी, बताइए जरा इस इक्वेशन को। द रिजल्ट इज फाइव लेस देन, मीन्स स्मॉलर नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट किया किससे? 55 बाय से, एंड दिस रिजल्ट इज स्मॉलर देन 5, मीन्स इसका जो रिजल्ट आया, दिस इज इफ द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, द रिजल्ट इज 5 लेस देन, मीन्स इससे 5 लेस है, तो यहाँ पे क्या करें? समझ बेटा, यस और नो? अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जी। द रिजल्ट इज फाइव लेस देन द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55। व्हेन स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 55 एंड यू स्टिल डिक्रीज इट बाय 5 इक्वल टू द 60-3x। सॉल्व द इक्वेशन बच्चों। हाँ जी बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? ओनली वन और टू? वन टू थ्री, तीन चार। प्लीज अदर्स आल्सो डू इट बेटा। हाँ जी गुरजोत सिंह, वेर इज गुरजोत? हाँ जी बताइए बेटा, हो गया? आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। नहीं, आवाज नहीं आई बच्चे, प्लीज सिट डाउन, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं सेक्शन बी से किससे पूछ रहा? अमृतपाल सिंह। हाँ अब आइए बेटा, आवाज बोलिए जरा। गुरजोत बोलिए बेटा, बताइए क्या किया बेटा आपने? हाँ -55 जी, पहले क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आए, एक्स लेके आओ इधर। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही बेटा, बैठ जाइए आप। हाँ जी आप बताइए, सेक्शन बी से मैंने किसी को बुलाया था ना?
हाँ जी अमृतपाल। हाँ जी दसो बेटा। फर्स्ट वी हैव टू -3x + x हाँ जी आगे। हाँ इक्वल टू 55 माइनस 60 55 -5 -60 इक्वल वेरी गुड। टू एक्स -2x इक्वल टू 55 -65 कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? माइनस -10 x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 भाई क्या फाइंड क्या करना था बेटा हमें यहाँ पे? स्मॉलर x नंबर फाइंड आउट करना था, तो दैट विल बी 5। y ठीक है बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। असर्शन रीजन। हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन इज गिवन इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी बेटा क्वेश्चन आपको समझ आया बेटा? स्टेटमेंट क्या गिवन है कि जो एक इक्वेशन है बेटा, वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जी, लेट्स से दिस। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इज दिस राइट और रॉन्ग? बेटा राइट है ना, क्योंकि आप एक्स की कुछ भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। देर इज सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए इक्वेशन होल्ड ट्रू है बेटा, जिसके लिए इक्वेशन में दोनों साइड्स इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लेता हूं बेटा, मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो लेफ्ट साइड कितनी आ गई? 5। और राइट साइड कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है। सो बोथ दी साइड आर नॉट इक्वल फॉर 1, और आर दे इक्वल? नहीं ना बेटा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? बेटा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो व्हाट ही सेज, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल फॉर सर्टन वैल्यूज। यस, किसी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बेटा सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। इज इट क्लियर? सो इट इट डज नॉट सेटिस्फाइज ऑल द वैल्यूज। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ व्हाट इज द रीजन? इन एन इक्वेशन वेरिएबल्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर। इज दिस ट्रू? और तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? थ्री चॉइस हो जाएगी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट चलिए बच्चे, टू फाइंड द सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सो दैट द बैलेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट डिस्टर्ब। इज दिस ट्रू और फॉल्स? कौन बताएगा बेटा कैसे ट्रू है? अगर ट्रू है तो फॉल्स है, तो फॉल्स कैसे है? हाँ जी आप आ जाइए बेटा, सेक्शन बी में जो गर्ल वेव कर रही है। एज दे आर टेलिंग दैट इन मैथमेटिक्स देर आर सम ऑपरेशंस सो वी इफ वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन बोथ साइड इफ वी आर डूइंग प्लस एट राइट हैंड साइड एंड वी हैव टू ऑल्सो प्लस एट लेफ्ट हैंड साइड टू मेंटेन बैलेंस सो अकॉर्डिंग टू दिस दिस इक्वेशन इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू राइट? सेस वेरी गुड सेस बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट रीजन, ए लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव एनी रैशनल नंबर एज इट्स सॉल्यूशन। इज दिस ट्रू और फॉल्स? कौन फॉल्स बेटा, रैशनल नंबर भी सॉल्यूशन होते हैं ना। आंसर विल बी, इसका भी ऑप्शन सी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ 9 इज एडेड टू ए नंबर इट बिकम्स 25,
दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज दिस, इज दिस करेक्ट और नॉट बेटा? ट्रू है ना बेटा ये? नाउ व्हाट इज द रीजन? लीनियर इक्वेशन कैन हैव ओनली नेचुरल नंबर एट देयर सॉल्यूशन। फॉल्स है ये? तो ये भी कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। टू सॉल्व द इक्वेशन 5x-2/3-2=x+7/6, वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 6। इज इट ट्रू और फॉल्स? बेटा मैं नाम लेके बुलाता हूँ, अनामिका। अनामिका प्लीज कम बेटा। यस टेल मी बेटा, हाउ? कैल्शियम सिक्स कैन बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 6? हाउ यू कैन से इट? व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आंसर? दूसरों ने बोला था ये बेस है या अपना दिमाग लगाया है? बाकी लोगों ने बताया था बेटा, वाई विल मल्टीप्लाइड बाय 6? कैल्शियम यस, सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज 6। ठीक है बेटा बैठ जाइए। तो असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन, ओकेजनली द एक्सप्रेशन फॉर्मिंग इक्वेशन हैव टू बी सिंप्लीफाइड बिफोर वी कैन सॉल्व देम बाय यूजुअल मेथड्स। इज दिस करेक्ट? सम इक्वेशन मे नॉट इवन बी लीनियर टू बिगेन विद, बट दे कैन बी ब्रॉट टू ए लीनियर। इज दिस ट्रू और फॉल्स? बेटा ये भी ट्रू है। इज दिस द राइट एक्सप्लेनेशन? सही यस राइट, सो देयर फॉर आंसर विल बी ए। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चंस करें जरा हम। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 5 इट्स लेंथ। प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। यादव जी यही है ना? हाँ जी बच्चों, इक्वेशन बन गई है, फटाफट से सॉल्व करके आंसर निकालो जरा। हाँ जी बच्चों, क्या इक्वेशन बनी है? हाँ 2 12 b = 13 जी, टू और 2 12 + b = 13 एल प्लस बी इज इक्वल टू 13। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई। बट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल? हाँ जी बच्चों, इज दिस एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इक्वेशन
इन वन वेरिएबल, बिकॉज इट इज इन टू वेरिएबल्स, देर आर टू वेरिएबल्स एल एंड बी। कन्वर्ट कीजिए बच्चों इसको पहले तो। ओके बेटा, ओके okay। चलिए जी सतीश, सतीश सतीश आ जा बेटा, एक्शन ए में है सतीश सुमन। सुन गया बेटा मेरे को, मैं किसी को मैंने बुलाया है स्टूडेंट को, ही विल एक्सप्लेन अस। हाँ जी बेटा, हैव यू डन द क्वेश्चन? हाँ जी टीचर, व्हाट ही सेइंग जस्ट चेक आउट बिकॉज माइक इज नॉट वर्किंग। सर, हाँ जी बेटा कर लिया आपने, बताइए क्या किया फिर। आवाज नहीं आ रही बच्चे, मैम की तो आवाज आ गई मुझे, आपकी नहीं आ रही है, लेकिन मैम ने इतनी दूर से बोला है फिर भी आवाज आ रही है। मैम मैम, कैन यू हेल्प मी आउट, व्हाट ही सेइंग प्लीज। हाँ जी, फॉर्मूला हाँ जी मैम, व्हाट ही हैज डन आफ्टर दिस, ऑफ पैरामीटर 2L प्लस। आगे बेटा, नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बैठ जाइए जरा, मैं किसी और को बुला लेता हूँ। हरमन फ्रॉम सेक्शन बी। हरमन प्लीज कम बेटा। सर, एक्चुअली आई वाज डूइंग बेटा व्हाई यू हैव नॉट डन, आई हैव गिवन यू सो मच टाइम। हाँ जी सर, शी इज ऑन लास्ट स्टेप, प्लीज गिव हर सम टाइम। या प्लीज डू इट बेटा, आई एम वेटिंग। हाँ जी, इन द मीन टाइम कृतिका सिंह कैन कम। प्रेजेंट शी इज एब्सेंट टुडे। ओके प्रभजोत मैम, प्रभजोत, कम हाँ जी बच्चे टेल मी क्या किया बेटा आपने? बेटा प्लीज वेट सर। सारे लोग वेट कराओगे नो सर, आई एम लास्ट इतनी देर से? बेटा क्या किया आप लोगों ने? सर। प्लीज राइट टू एल, 2L+B इज इक्वल टू 13, ओके 2L इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 13, देन ओके ओके देन बेटा प्लस 2L+61 61। हाँ जी बेटा, टू ये सर, टू एल बेटा यहाँ पे 4 था, ये 3/4, इट इज 2 3/3 तो 1 हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओनली, राइट? तो सर। आप लोगों ने 3 किया है, अगर 3 भी किया है तो देन आल्सो नो इश्यूज। आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन जो है वो किससे किया है, 3/3 से किया है बेटा, 4 से किया है? सर हाँ जी मैम, सर सर वी हैव डन बाय द मेथड ऑफ 3/3 एंड देन द आंसर इज 7/2 इन मिक्स फ्रैक्शन। इट इज मिक्स फ्रैक्शन 3 1/2। जस्ट ए मोमेंट बेटा, दैट इट विल बिकम 2 into 3, दैट विल बी यस, दैट विल बी 7/3,
13 माइनस 6 दैट विल बी 7 बाय 2। यस यस ठीक है बेटा। सो इट ठीक इज एक्चुअली इट वाज 3/4 बट 3/3 नो प्रॉब्लम। सो यू कैन डू इट बाय द 3/3 आल्सो। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व दिस बेटा। Only 6s x plus 23. हाँ जी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड। जिन बच्चों ने कर लिया बेटा प्लीज रेज योर हैंड्स। ओनली वन टू। हाँ जी देख लिया बेटा मैंने। टू थ्री फोर। हाँ जी फ्रंट बेंचर्स आज आपका हुआ नहीं। सेंटर लाइन एट्थ भी। हाँ जी पलविंदर कौर एब्सेंट। प्रिया जोशी। हाँ जी बेटा बताइए क्या किया आपने। बेटा प्लीज लुक एट द बोर्ड नाउ। हाँ जी सर फर्स्ट आई हैव टेकन द एलसीएम ऑफ 6x+1/3 +1 राइट। देन माय इक्वेशन फॉर्म 6x+1+3 इज इक्वल टू हाँ जी एक्स माइनस 3/6। राइट। सर देन आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छा पहले सॉल्व नहीं किया इनको आपने। हाँ सर की सर आई हैव डन 6x+4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा। ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया और ये सर 3 ठीक है जी आगे। सर 36x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। -9 जी ठीक है जी। सर देन वी विल टेक वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड। हाँ जी सर 36x माइनस 3x राइट। सर माइनस 9 -24 राइट जी सर 33x एंड देन दैट साइड प्लस माइनस माइनस प्लस सो इट विल बी -33x सर देन x इज इक्वल टू -33/33 इज इक्वल टू -1 ठीक है बेटा। थैंक सो यस यू वेरी गुड। ऑल द स्टूडेंट्स जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज नोट डाउन। Gracias.
हाँ जी बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्ड प्रॉब्लम बेटा। प्रेजेंट एजिज ऑफ अनु एंड सिमरन आर इन रेशियो 4:5। 8 years from now, the ratio of their ages of their ages will be 5:6. Find their present ages. Read the question carefully, बच्चों. Then try to form the equation. प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड सिमरन आर इन द रेशियो 4:5। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। यू हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। आपको प्रेजेंट एजेस की भी रेशियो गिवन है, एज आफ्टर 8 years उसकी भी रेशियो गिवन है। मैम, माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लेट द स्टूडेंट डू इट, डोंट गाइड देम ड्यूरिंग माई क्लास। सेक्शन बी टीचर, वेरी गुड बेटा। यस यस बच्चे, अभी जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, लेट अदर्स आल्सो डू इट। कितने लोगों ने इक्वेशन फॉर्म कर ली है बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। 1, 2, 3। सेक्शन बी में ओनली 3 पीपल। प्लीज फॉर्म द इक्वेशन बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है प्रेजेंट एज की, लेट एक्स बी द कॉमन रेशियो, तो प्रेजेंट एजेस की रेशियो क्या हो गई उनकी बेटा, मतलब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? दिस इज एजिस, नॉट द रेशियो। रेशियो इज 4:5। प्रेजेंट एज कितनी आ गई बेटा दोनों की? 4x एंड 5x। नाउ व्हाट इज गिवन इन द इक्वेशन कि 8 years फ्रॉम नाउ मीन्स इफ वी एड 8 टू बोथ, दोनों की एज में अगर हम 8 ऐड कर रहे हैं, देन द रेशियो बिकम्स 5:6। सो दिस विल बी द इक्वेशन बच्चों। आपने प्रेजेंट एज ली, उसके अंदर 8 ऐड किया दोनों में, एंड द रेशियो बिकम्स 5/6। नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बच्चों। जिन लोगों ने नहीं भी बनाई है, प्लीज सॉल्व दिस। सॉल्व करो बच्चों फटाफट से, अब जैसे इक्वेशन को ही। बटन
कोई बात नहीं बेटा, एक मिनट पूछ लेता हूं मैं जिससे। हाँ जी बच्चों, रितिका करवाल आ जाइए जरा। रितिका रितिका बेटा, हाँ जी बताइए क्या किया आपने। सर, आई वॉज डूइंग बट आई नो द फर्स्ट स्टेप्स। हाँ जी बेटा, वी प्लीज प्लीज एक्सप्लेन मी द फर्स्ट स्टेप। विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कर दिया सिक्स बेटा। सिक्स विल बी बाय 4x+8 इज इक्वल टू 5 × 5x+8। देन देन सर वी विल मल्टीप्लाई 6 and 5, 6 विद बोथ एंड अदर साइड वी विल मल्टीप्लाई द 5 विद बोथ। व्हाट विल बी द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5? 5 5 is 25x प्लस 40। ओके नाउ व्हाट वी शैल डू? सर 24x - 25x कर दिया बेटा। उसके बाद इज इक्वल टू 40 40 - 48। क्या आंसर आ गया इधर? सर -1x इज इक्वल टू हाँ जी बोलिए। सर -8। -8। आप क्या करें बेटा? ओके द माइनस माइनस विल बी कट। 8 इज द आंसर। नो बेटा, आंसर इज नॉट 8। आंसर इज नॉट 8। व्हाट वाज क्वेश्चन? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज क्या है बेटा? अनु की प्रेजेंट एज 4x। यस तो आंसर विल बी 32 and 40 एंड 40। 40। बच्चे क्वेश्चन जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज ध्यान से देखना कि उसमें फाइंड क्या करना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही आंसर हो जाता है, विच इज नॉट द केस एवरी टाइम। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन करें। देखिए बेटा, अगेन द वर्ड प्रॉब्लम, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। राइट बच्चों, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेंड इज ऑब्टेंड इज 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रीड क्वेश्चन केयरफुली बेटा एंड देन फॉर्म द इक्वेशन। डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर। ठीक
हाँ जी स्टूडेंट, समझ आ रहा है बेटा कैसे वर्कआउट करनी है इक्वेशन? कितने लोगों को क्लियर हुआ? प्लीज रेज योर हैंड। इक्वेशन कैसे बनानी है? नहीं, देखिए बेटा क्या होता है, जब भी आपको रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे क्या गिवन है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। अगर न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर कितना होगा बेटा? व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर? एक्स एक्स प्लस 8। डिनोमिनेटर इज 8 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, इंक्रीज का मतलब है एड करना, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो आंसर इज, दिस इज द इक्वेशन बच्चों, यू कैन सॉल्व इट, राइट? सो आई हैव गॉट द सिग्नल टू फिनिश द क्लास, सो बच्चों यू कैन नोट डाउन द इक्वेशन एंड सॉल्व इट, ठीक है? विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स टू ऑल द टीचर्स।